तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। किन लोगों को मिलेगा और किन लोगों को नहीं मिलेगा, और कौन से लोग फार्म भर सकते हैं। जिन लोगों का घर कच्चा है उन लोग वही लोग फार्म भर सकते हैं। जिन लोगों का अभी तक घर नहीं बन सका है, वो जिनके घर टूटे फूटे हैं या खपड़ैल के हैं या फिर उनकी छत पक्की नहीं है, कच्ची है, ऐसे लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हो सकते। और उनके पास कोई चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए और बड़ा काश्तकार नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारी कारण हैं जो इसके लिए अपात्र बना सकते हैं। अगर आप बीपीएल में नाम आ सकता है तो सबसे पहले इसका लाभ आपको मिलेगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना लेने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और राशन कार्ड है तो और ही अच्छा है। और बैंक में अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जो पैसा आएगा वह आपके बैंक खाते में ही आएगा। और इस तरह से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और कौन लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं? जिनकी दीवारें पक्की है और जिनकी पक्की छत बनी हुई है, या फिर उनके पास में ज़्यादा ज़मीन है, या चार पहिया वाहन है, या फिर मोटरसाइकिल है वाहन है, या बिजली का कनेक्शन है और उसके पास में ज़मीन है, तो ऐसे लोग आवेदन नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बीपीएल के लिस्ट में जिनका नाम है तो उनको सबसे पहले लाभ दिया जाएगा। बीपीएल एक सर्वे के आधार पर एक लिस्ट बनाई जाती है, यह लिस्ट अलग बनाई जाती है। तो इस उसमें जितने लोगों के नाम होते हैं उन सभी लोगों को मकान दिया जाता है, लेकिन उसके पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। ये सरकार इस योजना को इसलिए चला रही है क्योंकि सभी लोगों के पास 2022 तक सभी लोगों के पास अपना खुद का मकान हो, और ताकि सभी गरीब परिवारों के पास अपना घर मिल सके। इस सरकार का ये सपना है कि 2022 तक हर गरीब परिवार के पास खुद का अपना मकान हो और वो आसानी से अपना गुजर बसर कर सके। ये सरकार इस योजना को इसलिए चला रही है। तो चलिए देखते हैं कि सरकार अपने वादे पर खड़ा उतरती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।